आप देख सकते हैं इनका हेयर क्रॉन एरिया जो है पूरा का पूरा जा चुका है इनका। अच्छा, आपका हेयर जो है कितने दिनों से गिर रहा है आपका प्रशांत भाई? वो कम से कम 20 साल से स्टार्ट हुआ वो। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब काफी पहले से आपका हेयर का फॉल का स्टार्ट हो चुका था। कोई प्रॉब्लम्स हुआ या जनरली ऐसे ही हुआ? कोई मेडिसिन वगैरह चलता था आपका? नहीं, बाद में मैं वो टीवी में देख के भी एक ऑयल भी मंगाया था। अच्छा, वो बायोली हरा थेरेपी एक ऑयल है ना। अच्छा, वो भी मंगाया था लेकिन उसमें क्या भी काम हुआ ना, वो जल्दी चला गया। ओ, मतलब आपने बहुत सारे मेडिसिन भी यूज किया और ऑयल भी यूज किया लेकिन कोई आपको फायदा नहीं पहुंचाया, तो आपने लास्ट में ये फाइनल किया कि मेरे को हेयर पैच लगाना है। चलिए मैं इनका हेयर पैच अब स्टार्ट करता हूँ। आप एंड तक वीडियो जरूर देखें और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें आप। गाइज, मैं इनका हेयर स्टाइल टेपिंग सिस्टम पे करने वाला हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं मैं इनका हेयर पैच लगा रहा हूँ टेपिंग सिस्टम पे। टेपिंग सिस्टम पे फ़ायदा ये होता है कि ये कभी भी निकाल सकते, कभी भी लगा सकते। अगर ये चाहेंगे कि ये 10-15 डेज लगा हुआ रह जाए तो ये लगे हुए भी रहेंगे और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और अगर आप पेस्टिंग सिस्टम करना चाहते हैं तो पेस्टिंग में जैसे कि कहता हूँ कि किसी किसी को साइड इफ़ेक्ट कर जाता है, तो इसकी वजह से मेरे ख्याल से सबसे अच्छा जो सिस्टम है वो टेपिंग सिस्टम बेहतर है। अगर आप चाहें तो इस पर नहाना धोना रहना सहना जैसे आम तौर पे करते कर सकते इस पर, है ना। तो बेहतर है टेपिंग सिस्टम पे रहते। इनकी कटिंग लगभग हो चुकी है, जब इनका फाइनल लुक आए तो आप ज़रूर कमेंट करें फाइनल लुक देख कर कि इनका हेयर लुक कैसा लगा जो मैंने इनको हेयर लुक दिया है। ये जो हेयर पैच जो लग रहा है टोटल नेचुरल हेयर का पैच है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इस पैच का। और इनका पैच को मैं कटिंग करने के बाद में कलर भी करने वाला हूँ, जिनकी वजह से क्या होगा कि हेयर स्टाइलिंग और भी उम्दा हो जाएगी, है ना। तो इनकी कटिंग लगभग हो चुकी है, उनका पूरा जो कट हो रहा है वो पूरा स्टेप लेवल पे कट हो रहा है। स्टेप लेवल पे कट करने का फ़ायदा ये होता है कि ये 2-3 लुक चेंज करके भी रख सकते हैं। जैसे स्पाइक रखना हो तो स्पाइक रख पाएंगे, स्लाइड रखना हो तो स्लाइड रख पाएंगे, अदरवाइज अगर फ्रेंच रखना चाहें तो फ्रेंच भी रख सकते हैं। तो इनकी स्टाइलिंग को आप देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है। भाई आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा एक्सपीरियंस रहा? कैसा लगा हेयर स्टाइल आपको कराकर? बहुत अच्छा लगा। तो आज व्यूअर्स देख सकते हैं इनका हेयर स्टाइलिंग को, बहुत ही हैप्पी हैं प्रशांत भाई जो आए हैं। आपका कहाँ से नाम बोल रहा हूँ? अच्छा, मैं से कहीं और पहले बताए थे ना, सुंदरबन। सुंदरबन, हाँ सुंदरबन से आए हैं। तो देख सकते हैं इनका हेयर स्टाइल को, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करें। तो प्रशांत भाई तो काफी हैप्पी हैं अब हेयर स्टाइलिंग कर करके, है ना। चलिए ठीक है प्रशांत भाई, आइए फिर मिलते हैं तब। तो गाइज, आप भी हेयर पैच अगर लगाना चाहते हैं, हेयर फॉल हो चुके हैं आपके, हेयर झड़ चुके हैं, आप कोई भी हेयर स्टाइलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप विजिट करें हमारे ब्रांच पे, यहाँ पे आपको बेस्ट लुक दिया जाएगा बेस्ट प्राइस पे।